अस्सलाम वालेकुम डियर वॉचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक आला मिजाज होंगे। एंड गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और वॉचर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कॉलर सिखाऊंगी, इंटरेस्टिंग सा बॉडीज विद डिफरेंट कॉलर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो डायरेक्ट हम लोग ड्रैपिंग इसकी करेंगे, हम लोग पेपर वर्किंग में नहीं जाएंगे। वीडियो को पूरा देखना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है इंशाल्लाह नेक्स्ट। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मिनिएचर वर्किंग ही करूँगी, ठीक है, ताकि वीडियो शॉर्ट हो और चीज़ें आप लोग जल्दी से पिक कर लें। तो इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसका कॉलर ट्रेस कर लेना है, कॉलर को आपने ड्रॉ कर लेना है और कॉलर आपने इसका निकाल लेना है, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपनी कॉलर को डिटेलिंग में मैंने सिखाया है कि कैसे हम लोग कॉलर की मार्किंग करके और कॉलर को ट्रेस करके हम लोग उसको ड्रेप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लेना है जी फैब्रिक, खुला सा फैब्रिक मैंने लेना है। सेंटर ये हम लोग सिमेट्री बनाएंगे गारमेंट, और सेंटर फ्रंट टू सेंटर बैक तक हम इसकी वर्किंग करेंगे। और क्योंकि फिर ये फ्लिप वाला ही सीन है, तो अगर एक साइड बन जाती है इंशाल्लाह वो तो फिर फ्लिप हो ही जाती है ना, ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने ले लिया फैब्रिक, मैं इसको सेंटर फ्रंट पे मैं इसको कर लूँगी, इसको पिनअप कर लूँगी और वेस्ट लाइन से भी इसको पिनअप कर लूँगी मैं अच्छे तरीके से, साइड सीम पे भी पिनअप कर लूँगी। साइड सिम पिन अप कर दी हमने, वेस्ट लाइन को पिन अप कर दिया। अब नीचे मैंने ना एक डार्ट देनी है ताकि जो फिटिंग एलिमेंट होता है हमारा डार्ट का, वो हम लोग उसको एक अच्छा सा कर दें। बस्ट के नीचे वाले एरिया पे मैं डार्ट दूंगी, डार्ट को मैंने सिक्योर कर लिया है। उसके बाद अब मैंने मेरे जो बस्ट का ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ से लेकर मैंने नेक तक एक डार्ट देनी है। अब वो मैं आप लोग देखेंगे मैं लोग कैसे इसको दूँगी, ठीक है। कुछ इस तरह से बस्ट के ऊपर वाले एरिया को ज़ीरो किया और कॉलर तक मैंने एक डार्ट दे दी कुछ इस तरह से। अच्छा, एक डार्ट तो मैंने दे दी है, अब दूसरी डार्ट मेरी जो आनी है वो मेरी कैरल लाइन से मेरी निकलनी है। और कैरल लाइन बेसिकली जो होती है हमारी जो आर्म होल से बस्ट के दरमियान एक लाइन होती है हमारी, वहाँ से हमारी ज़ीरो हम लोग रखेंगे और ऊपर तक हम इसको एक्सटेंड करेंगे जो मेरी डार्ट सेंटर बैक को टच करेगी, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, कैरल लाइन से ये ज़ीरो करेंगे हम और इसको ऊपर तक हम लोग एक्सटेंड करेंगे डार्ट को, ये आप लोग देख सकते हैं इस, और मैं इसको सेंटर बैक तक इसको एक्सटेंड करके और यहाँ पर मैं इसको अच्छा सा फिनिश कर दूँगी। अब मेरा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैंने कटिंग कर देना है फ्रंट डार्ट वाला, कुछ बड़ा टेक्निकल तरीके से मैंने कटिंग करना है ताकि जो दूसरी डार्ट है वो कटिंग ना हो, फर्स्ट डार्ट वाला फैब्रिक ही कट हो। ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। अब ये मेरा जो कॉलर है वो बैक पे तो हाइड होगा बट फ्रंट पे ऑब्वियसली वो मेंशन होगा, तो मैं ज़रा इसको यहाँ पे एक अच्छा से फिनिश करती हूँ और ये इस तरह से मैंने इसको कॉलर को करना है, ठीक है। आई होप सो वॉचर्स आपको समझ आ रही हो। अच्छा जी, अब मैंने कॉलर को पीछे से भी मैंने हाइड कर दिया और आगे से मैंने इसको विजिबल कर दिया है। अब जी मैं अपनी मार्किंग लूँगी आर्म होल की, साइड सीम की, जैसे हम लोग करते हैं, और मैं इसको कटिंग कर लूँगी और बैक पे एक स्ट्रेटिंग लाइन,
चल के मैं यहाँ पे बैकपैक पैनल ऐड करूँगी, वो स्ट्रेटिंग में होगा हमारा, और इस तरह से मैंने इसकी कटिंग करनी है, ये आप देख सकते हैं। और बैकपैक स्ट्रेटिंग पैनल ऐड करेंगे, उसकी भी हम लोग मार्किंग लेकर उसको हम लोग निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इसकी शेप आई है। अब मैं इसकी एक्स्ट्रा पिनिंग उतार दूंगी ताकि आपको रियल शेप विजिबल हो जाए कि एटलीस्ट ये बना क्या है, ठीक है। ये देखें जी गाइस, ये हो गया है डन, हमारा बॉडीज अच्छा सा ड्रेप हमने कर दिया है, बड़ा ज़बरदस्त था यार। ये ट्रेंडिंग है, बड़ा टेक्निकल है, लेकिन अगर बन जाए तो बहुत अच्छा लगना है ये। तो ये आप बना सकते हैं फीमेल्स में, चिल्ड्रन में भी बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह गाइस मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.